दोस्तों कल जो है यहाँ पर Redmi ने अपनी न्यू A सीरीज को यहाँ पर जो है शोकेस कर दिया है, यानी कि उसके अंदर अपना पहला स्मार्टफोन जो है Redmi A1 जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। एंड इसके अलावा Redmi ने यहाँ पर दो स्मार्टफोन और लॉन्च किए हैं, जो कि Redmi 11 Prime जो है, यानी कि जो सीरीज है इनकी, उसके अंदर यानी कि 4G एंड Redmi 11 Prime 5G स्मार्टफोन, दो स्मार्टफोन लॉन्च किए हैं। तो टोटल 3 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च कर चुका है, यानी कि Redmi A1 जो कि A सीरीज के अंदर है, एंड दूसरा जो स्मार्टफोन है Redmi 11 4G एंड Redmi 11 Prime 5G। तो ये 3 स्मार्टफोन पेश किए। तो अगर आप इन तीनों स्मार्टफोन में से किसी भी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। एंड सारी चीजें बताने वाला हूं, तीनों के साथ में अपने ओपिनियन शेयर करने वाला हूं, आपको तीनों में से बाय करना चाहिए किसी भी स्मार्टफोन को या फिर नहीं करना चाहिए, तो सब कुछ बताने वाला हूं इस वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आता है लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम Redmi 11 जो प्राइम इसकी 5G जो स्मार्टफोन है यानी कि लॉन्च किया है उससे करते हैं। तो Redmi 11 5G की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो है आपको एक 5G स्मार्टफोन पेश किया गया है, जो कि Dimensity 700 चिपसेट आपको यहाँ पर देखने मिल जाता है। एंड अगर इसकी प्राइसिंग वगैरह की बात कर लेते हैं तो ये आपको 14,000 रुपये की प्राइस पर, यानी कि 13,999 भाई, मतलब 14,000 रुपये की प्राइस पर आपको मिल जाता है। इसमें आपको जो वेरियंट मिलता है वो मिलता है आपको 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज पर वारंट मिल जाता है। तो Dimensity 700 देखा है तो इस प्राइस रेंज पर, मतलब उतना ज्यादा मैं सही नहीं बोलूंगा, क्योंकि अगर इस प्राइस रेंज में देखा है तो हमें यहां पर Dimensity 810 भी देखो मिल जाता है। अगर हम थोड़ा सा बजट को इंक्रीज करते हैं तो 810 यहां पर देखो मिल जाता है। बाकी अगर बात कर लेते हैं अदर स्पेसिफिकेशन की, तो अगर हम बात करें यहां पर डिस्प्ले की, सबसे बड़ी गलती यहां पर Redmi ने यह की है कि अपने जो मॉडल्स यहां पर सभी मॉडल्स में क्या है कि यहां पर वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दे दिया है, जो कि उस तो मुझे जो है यहां पर इस सीरीज का यानी कि इस लॉन्च का सबसे बड़ा कौन सा लगा है। क्योंकि Redmi A1 की बात करें तो वहां पर अगर आपने वाटर ड्रॉप नॉच दिया कोई भी दिक्कत की बात नहीं, लेकिन बाकी के जो 14,000-15,000 की प्राइस रेंज के अंदर स्मार्टफोन आ रहे हैं, आपने उनके अंदर भी यहां पर वाटर ड्रॉप नॉच दे दिया है, तो ये बहुत ही बड़ा कौन सा है आज के लिए। एंड दोस्तों अगर बात करते हैं यहां पर इसके स्पेक्स की, तो इसके अंदर जो है आपको यहां पर 6.5 इंच का जो है डिस्प्ले देखने मिल जाता है फुल HD प्लस का, 19Hz का आपको डिस्प्ले दिया गया जो कि IPS डिस्प्ले है, कोई भी यहां पर एमोलेड वगैरह नहीं है। एंड इसके अलावा आपको Dimensity 700 वाला चिपसेट दिखने मिल जाता है। एंड साथ ही अगर कैमरे वगैरह की बात करते हैं तो 50 मेगापिक्सल का आपको जो है प्राइमरी कैमरा दिया गया है, 2 मेगापिक्सल का आपको यहां पर 10 मिलेगा जो कि यहां पर वही यूजलेस कैमरा मेन फोकस करिए, यहां पर 50 मेगापिक्सल दिया गया है। 5 मेगापिक्सल का आपको जो है फ्रंट कैमरा मिल जाता है, यानी कि मतलब आप सोच सकते हैं यहां पर कोई भी सेंस नहीं बनता है, यहां पर 5 मेगापिक्सल का आपको यहां पर कैमरा दिया जा रहा है, वो भी मतलब फ्रंट कैमरा। एंड जबकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको यहां पर जो कि बिल्कुल भी मुझसे कोई भी सेंस नहीं बनता है। 5000mAh की आपको बैटरी मिल जाती है, 18W की फास्ट चार्जिंग यहां पर देखने को मिल जाती है। एंड साथ ही ये फोन जो है एंड्रॉइड 12 के साथ देखने को मिलता है, साइड बॉर्डर फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, योफोस 2.2 का यहां पर स्टोरेज मिल जाता है, वाईफाई 5 आपको यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ 5.1 का आपको यहां सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा आपको आयर ब्लास्टर मिल जाता है। बात करते हैं अगर यहां पर बैंड्स की, तो टोटल आपको 7 5G बैंड का यहां पर सपोर्ट मिल जाता है। एंड इसके अलावा जो भी डुअल 5G आपको यहां पर सपोर्ट मिलता है, यानी कि आप 2 SIM यहां पर 5G को यूज कर पाओगे, तो ये अच्छी बात है। यहां पर सिंगल स्पीकर मिलता है, जो कि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको यहां पर डुअल स्पीकर यहां पर देखने मिलने चाहिए थे। तो देखा है तो यहां पर दोस्तों ये कुछ यहां पर इसके स्पेक्स थे। एंड देखा है तो मैं फोन अगर इसके ओपन की बात करूं मैं अपने, तो देखा है तो फोन के अंदर दोस्तों मतलब कुछ भी मतलब नहीं है एक तरीके से देखा जाएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर में और भी अच्छे अच्छे स्मार्टफोन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। केवल इस लॉन्च इवेंट को यहाँ पर मतलब एक तरीके से पेश करना है, केवल एक हाइप ही क्रिएट करना होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि फोन का केवल यहाँ पर अगर देखा है तो बैक में केवल यहाँ पर काम किया गया है डिजाइन के अंदर, बाकी जो फ्रंट है तो वही एकदम जो पुराने यूज करते हुए आ रहे हैं। एंड अब तो यहाँ पर जैसे कि मतलब एक तरीके से देखा है तो ये सैमसंग की राह पर जा रहा है। सैमसंग भी अभी तक यहाँ पर उसने अपने जो डिस्प्लेज हैं वहाँ पर अपने वाटर ड्रॉप नॉच ही वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है, जो कि इन कोई भी चेंजेस नहीं किए हुए हैं। एंड सेम दोस्तों वही चीज आपको यहां पर भी देखने को मिल जाती है, एंड वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले दिया गया है। फोन के अंदर दोस्तों बहुत कुछ ऐसा कुछ खास नहीं किया गया है इस फोन के अंदर, ना ही कुछ इतनी जो प्राइसिंग है वो हमें इतनी ज्यादा खास देखने को मिलती है। एंड अगर इससे अच्छा हम बात करते हैं आपके लिए, अगर आपको पंच होल डिस्प्ले वगैरह चाहिए, बाकी सारे स्पेसिफिकेशन दोस्तों यहां पर यही चाहिए, तो थोड़ा सा आपको बैक में जाना पड़ेगा यहां पर, जो कि दोस्तों पोको ने अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था, पोको M3 Pro 5G, बहुत ही गजब की यहां पर डील मिल जाती है सेम
स्पेसिफिकेशन आपको यहां पर देखने मिल जाते हैं। इससे बेटर स्मार्टफोन डिजाइन के मामले में इससे बेटर देखने को मिलता है, मतलब एंड आपको बस थोड़ा सा पीछे बैक जाना पड़ेगा, इससे कम प्राइसिंग आपको वहां लगानी पड़ेगी। यानी कि वो अगर स्मार्टफोन की बात करते हो तो आपको 12,499 रुपए की प्राइस पर आपको वो स्मार्टफोन देखने मिल जाता है डायमेंसिटी 700। बाकी ओवरऑल सारे स्पेसिफिकेशन यहां पर सेम देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है, इससे काफी ज्यादा बेटर दिखता है। यानी कि डिस्प्ले की अगर बात करते हैं वहां पर भी हमें बेटर दिखता है, क्योंकि वहां पर पंच होल देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा आजकल स्टैंडर्ड अट्रैक्टिव है, मतलब जो कि चल रहा है आजकल, तो वो चीज हमें वहां पर देखने को मिल जाती है। तो हम क्यों आप जो है इतना पैसा आप इसमें इन्वेस्ट करोगे यार? तो मेरी तरफ से दोस्तों यहां पर अगर देखा है तो अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं, अगर मुझे कोई स्मार्टफोन दोस्तों लेना है, क्योंकि मैं अपने लिए तो यहां पर इस स्मार्टफोन को कभी भी नहीं लेने वाला हूं, ना ही मैं दोस्तों अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं ना ही मैं आपको यहां पर बोलने वाला हूं कि यार आप इस स्मार्टफोन को लीजिएगा। अगर आपको यही स्मार्टफोन लेना है सेम स्पेसिफिकेशन के साथ में, तो मैं यही बोलूंगा आपके लिए यहां पर पोको M3 प्रो 5G एक काफी ज्यादा अच्छा एंड वैल्यू फॉर मनी एंड डिजाइन के साथ ऑप्शन होगा, क्योंकि वहां पर डिस्प्ले भी बहुत ही अच्छा मिलता है आपको। यहां पर ओवरऑल जो स्पेक्स हैं वो तो यहां पर सेम मिलते हैं, लेकिन वहां पर पंच होल मिलता है, जो कि आपको आजकल स्टैंडर्ड चल रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों, यहां पर कुछ इस बार रेडमी ने इसके अंदर कुछ खास नहीं किया है अपनी जो एनर्जी बाकी स्मार्टफोन्स के अंदर मतलब पहले लाता रहा है, तो वो चीज हमें यहां पर नहीं देखने को मिली है। हां, 5G की जो कॉस्ट कटिंग है वो इसके अंदर हमें जरूर से हर किसी पार्ट के अंदर देखने को मिली है। फिलहाल के लिए दोस्तों ये स्मार्टफोन मेरी तरफ से बिल्कुल भी यहां पर नॉट रिकमेंडेड है। एंड वहीं अगर बात करते हैं दूसरी तरफ यहां पर Redmi 11 4G की, तो ये जो स्मार्टफोन है इंडिया के अंदर आपको 12,999 रुपए की प्राइस में मिल जाता है। एंड ये इंडिया में जो है यहां पर लेटेस्ट Helio G99 जो चिपसेट है उसके साथ आपको मिल जाता है। ये एक 4G चिपसेट है, यानी कि एक 4G स्मार्टफोन होने वाला है। अगर बात करें यहां पर भी कौन की, तो इसके अंदर भी अस्तु यहां पर 13,000 रुपए की प्राइस के अंदर फोन आता है। एंड यहां पर आपको भी वाटर ड्रॉप नॉच देखो मिलता है, मतलब एक तरीके से बोला है तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पर Redmi ने कोई भी काम नहीं किया है, घटिया एकदम बिल्कुल देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए तो Redmi से बोलना चाहूंगा यार आप लोग ने इस बार, वैसे मैं आपकी तारीफ करता आया हूँ, लेकिन इस बार आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है। केवल आप एक नए जो है चिपसेट को आपने इंट्रोड्यूस किया है एंड 5G स्मार्टफोन को आपने इंट्रोड्यूस किया है एंड बाकी डिजाइन वगैरह लेकर आए हैं बैक में, बाकी इससे ज्यादा आपने कुछ भी यहां पर नहीं किया हुआ है। एंड अगर बात करें इसकी स्पेक्स वगैरह की, तो इसके अंदर आपको मिलता है 6.5 इंच का फुल HD प्लस 19 हर्ट्स वाला पैनल मिल जाता है, 240 हर्ट्स का आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट देखने मिल जाता है। एंड इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर, तो आप डिस्प्ले पर गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोडक्शन मिल जाती है। वहीं बात करें अगर इसके चिपसेट की, तो Helio G99 मिलता है, जो कि यहाँ पर इस बार ऐसे मेरे ख्याल से 6 nm पर, सॉरी या फिर 7 nm पर ऐसे कुछ यहाँ पर बेस्ड है। तो पावर फ्रेंड्स तो है, काफी अच्छा चिपसेट है, मैं चिपसेट नहीं बेकार नहीं बोलूंगा, चिपसेट तो अच्छा है। यहाँ पर 50 MP का आपको यहाँ पर जो है वही प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, बाकी के 2 कैमरे आपको वही यूजर्स मिलते हैं 2 MP के। एंड 8 MP का आपको यहाँ पर जो है मिल जाता है फ्रंट कैमरा। इसके अलावा 5 mAh की बैटरी मिल जाती है, 18W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 22.5W का चार्जर प्रोवाइड किया जा रहा है एंड साथ ही 5W का आपको रिवर्स मिल जाता है। एंड्रॉइड 12 के साथ आता है आउट ऑफ द बॉक्स स्मार्टफोन जो है ये, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। एंड रैम स्टोरेज की बात करें, तो आपको यहाँ पर LPDDR4X रैम मिल जाती है एंड UFS 2.2 की स्टोरेज मिल जाती है, ब्लूटूथ 5.3 का सपोर्ट मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात, लेटेस्ट वर्जन यहाँ पर देखने को मिलना है, शायद से यहाँ पर यही मिल रहा है आपको। IR ब्लस्टर का सपोर्ट मिल जाता है, IP52 की यहाँ पर रेटिंग मिल जाती है, सिंगल स्पीकर मिल जाता है, जो कि उसको यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। मैं बोलूंगा जरूर से यहाँ पर उसको डुबल स्पीकर यहाँ पर होना चाहिए था। 3.5 mm जैक यहाँ पर आपको मिल जाता है। दोस्तों यहाँ पर ये थे इसके स्पेक्स। अगर हम अपने ओपिनियन शेयर करते हैं इस स्मार्टफोन को लेकर, तो 13,000 रुपए की प्राइस पे आपको यहाँ पर ये स्मार्टफोन देखने मिलता है, लेकिन यार प्रॉब्लम यहाँ पर मेन आती है, पैसा तो खर्च करने को खर्च कर दें, लेकिन यार जो डिस्प्ले है वो एक ओल्ड डिस्प्ले आपको यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच प्रोवाइड कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग पीछे हटने वाले। एंड मैं बोलूंगा भी इसीलिए आपसे कि अगर आप यहां पर, क्योंकि अब आपके पास क्या है कि अगर इस चिपसेट का आपको जाना है तो आपको वाटर ड्रॉप नॉच ही लेना पड़ेगा। एंड बाकी इसके अलावा कोई ऑप्शन, क्योंकि आपका पोको M5 दोस्तों वो आता है, वो आपको 500 रुपए कम में देखने मिल जाता है। तो यही बोलूंगा कि अगर आपको सेल के अंदर दोस्तों पोको M5 दोस्तों यहां पर मिल जाता है 11,000 रुपए तक का, तब डेफिनेटली बोलूंगा हार उसके साथ जा सकते हो आपको, क्योंकि वो 12,499 रुपए में आता है एंड शायद से 11,000-11,500 रुपए तक के अगर आप सेल लगाते हो तो वहां पर ये देखने मिल सकता है। तो उस प्राइस में बोलूंगा अगर आप एक न्यू चिपसेट के साथ जाना चाहते हैं, एक 4G स्मार्टफोन लेना चाहते हैं, तब आप बोलूंगा पोको M5 के साथ जा सकते हो। लेकिन Redmi 11 प्राइम के लिए मैं इतने फोर्स नहीं करूं, क्योंकि यहां पर आपको वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले मिल जाता है, तो ये इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा है। एंड बाकी ओवरऑल बोलूंगा सही है, हाँ प्राइसिंग अगर उसकी उस हिसाब से कम कर दी जाए तो ओवरऑल एक अच्छा पैकेज यहां पर हो सकता है ये। एंड वही तो इससे अच्छा आपके लिए एक ऑप्शन यहां पर और हो सकता है,
वो इस तो यहाँ पर है पोको M4 जो 4G वाला, इसका पोको M4 प्रो 4G जो है आप उसके साथ यहाँ पर जा सकते हो। मेरे ख्याल से वो एक काफ़ी अच्छी डील होती है, उसको सेल वगैरह में मैंने इसको यहाँ पर 12,499 रुपये तक की प्राइस में देखा हुआ है। तो अभी सेल आ रही है बिग विलियन, अगर आप चाहे तो इसके साथ जा सकते हो, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आएगा। रेडमी 11 प्राइम से तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है यार, तो अगर आप चाहते तो यहाँ पर इसके साथ जा सकते हो। एंड देखा है तो यहाँ पर G95, G96, G99 में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं परफॉर्मेंस को लेकर है, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस मिलता है। हाँ, केवल G99 क्या है कि काफ़ी ज़्यादा पावर फेंस है G95 के कंपेरिजन में, तो ये एक केवल अच्छी बात होती है। बाकी जो परफॉर्मेंस है वो G95, G96, G99 तीनों में तो यहाँ पर सिमिलर देखो मिलती है, बहुत कुछ चेंजेस नहीं मिलता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हम फाइनली रेडमी की न्यू ए सीरीज के बारे में, रेडमी A1 जो यहाँ पर इंडिया के अंदर एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, अगर इसके बारे में बात करते हो तो ये स्मार्टफोन जो है यहाँ पर 6,499 रुपए की प्राइस पर इंडिया में लॉन्च किया गया, यानी कि 6,500 रुपए की प्राइस पर इंडिया में पेश किया गया है। एंड देखा है तो इस बीच में इसमें आपको मिलता है यहाँ पर हीलियो A22 वाला चिपसेट, ठीक है, एंड्रॉइड 12 के साथ ऑडियो बॉक्स मिल जाता है, एकदम क्लीन एक्सपीरियंस के साथ आता है, ऐसा यहाँ पर रेडमी ने बोला है अपनी इस सीरीज के अंदर। जो जैसा कि यहाँ पर मी जो ए सीरीज थी यहाँ पर, वहाँ पर भी आपको एकदम क्लीन स्टॉक वाला फील मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पर भी मिल रही है आपको। एंड अगर बात करते हैं डिस्प्ले की तो HD+ आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने मिल जाता है। एंड साथ ही अगर बात करते हैं चिपसेट की तो A22 चिपसेट मिलता है जो कि 12 nm पर बेस्ड है। अगर बात करते हैं इसके कैमरे की तो आपको 13 MP का जो है फ्रंट कैमरा, सॉरी रियर कैमरा दिया गया है, एंड 0.3 MP का यहाँ पर जो है सेकेंडरी कैमरा दिया गया है, क्योंकि मेन कैमरा भाई आप फोकस करिएगा उस पर। एंड दूसरा जो कैमरा है वो आपको मिलता है 5 MP का फ्रंट कैमरा। इसके अलावा बात करें बैटरी की तो आपको 5 mAh की बैटरी मिलती है, 10 W की चार्जिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। एंड साथ ही अगर बात करते हैं तो आपको यहाँ पर पीछे की तरफ जो है लेदर की जो आपको फिनिश यहाँ पर देखो मिल जाती है, तो स्मार्टफोन बैक साइड से देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इस प्राइस के अंदर आपको यहाँ पर जो है वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले यहाँ पर आता है, तो यहाँ इस प्राइस पर तो मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है यार, सही है यहाँ पर वाटर ड्रॉप नॉच इसके लिए मतलब बोलूँगा सही है। लेकिन जो रेडमी ने यहाँ पर 14,000 and 13,000 रुपये के प्राइस पर आपको यहाँ पर जो है वाटर ड्रॉप नॉच दे रहा है, तो वो बिल्कुल भी तो यहाँ पर सही नहीं है। लेकिन हाँ, इसके अंदर क्या है कि आपको ये मिलता है तो अच्छी बात है, ठीक है, इस प्राइस क्योंकि आपको वाटर ड्रॉप नॉच ही आता है। यहाँ पर बात करते हैं अगर यहाँ पर इसके हम स्पीकर वगैरह, तो आपको सिंगल स्पीकर यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये भी अच्छी बात है, ठीक है, अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन तो अभी अगर हम कंपेयर करते हैं तो अभी इसके बराबर में और भी स्मार्टफोन आते हैं जो कि इससे ज़्यादा पावरफुल हैं, ठीक है। अगर आप इसमें जो है 200, 300 या फिर 500 रुपए और ऐड कर देते हो तो इससे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते हैं। डिजाइन वाइज देखा है तो यहाँ पर रेडमी A1 मुझे यहाँ पर बैक साइड से काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है यहाँ पर, क्योंकि लेदर फिनिश मिल जाती है। लेकिन अगर ओवरऑल स्पेक्स को देखें, अगर आप इससे थोड़ा सा और पैसा लगाना चाहते हो यहाँ पर, मतलब 200 या 300 रुपये बढ़ाते हो, मतलब मैक्सिमम बोलूँगा अगर 500 रुपये बढ़ाते हो, तो आपको यहाँ पर रेडमी की तरफ से रेडमी 9A स्पोर्ट यहाँ पर मिल जाता है जो कि हीलियो G25 के साथ आता है। एंड हीलियो A22 से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर चिपसेट है, बेटर परफॉर्मेंस मिल जाती है, बाकी ओवरऑल स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पर सेम मिल जाते हैं। बस फर्क क्या है कि ये एंड्रॉइड 12 के साथ आता है, वो एंड्रॉइड 11 के साथ देखो मिलेगा, तो ये चीज यहाँ पर देखने लायक होगी। बाकी अगर मेरे ख्याल से जब परफॉर्मेंस मेन चीज़ मैटर करनी होनी चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम से इतना कोई ज़्यादा खास फायदा नहीं मिलने वाला है आपको, क्योंकि जब परफॉर्मेंस होगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उतना अच्छे से यहाँ पर वर्क करेगा। तो वो चीज़ है कि आपको रेडमी का ही स्मार्टफोन रेडमी 9 स्पोर्ट आता है, तो आप ये 6,999 रुपये के प्राइस पर अभी आपको करंटली मिल रहा है। लेकिन अभी आप सेल पर जाओगे तो ये स्मार्टफोन आपको सेम इसी प्राइसिंग पर मेरे ख्याल से 6,500 रुपये के आसपास में मिल जाएगा, तो एक बेस्ट डील रहेगी आपके लिए रेडमी 9 स्पोर्ट। तो रेडमी A1 में बहुत ज़्यादा मुझे कुछ खास नहीं लगा है जैसे, क्योंकि प्राइस के हिसाब से बोलूंगा सही है, लेकिन जो कंपटीशन को मैं साथ में लेकर चल रहा हूं तो उस चीज के मामले में यहां पर कुछ खास नहीं पसंद आया मेरे को। हाँ, डिजाइनिंग में अच्छा काम किया गया। इसके अलावा एक और स्मार्टफोन है जो कहते हैं रियलमी की तरफ से, रियलमी C30। इसके अंदर आपको और भी ज्यादा पावरफुल चिपसेट मिल जाता है जो कि आता है यूनी एसओसी की तरफ से, यूनी एसओसी T612। अगर इसके एंटिटी स्कोर की बात करें तो इसका एंटिटी स्कोर आपको 1,85,000 के आसपास मिल जाता है। अगर इसको हम कंपेयर करते हैं तो ये आपका जो है यहाँ पर G80 चिपसेट जो आता है उसके बराबर ये परफॉर्म कर देता है। एंड वही इससे अगर कंपेयर करते हैं A22 से जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पर यूनिवर्सिटी T612 जो है, तो वो भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर उसकी प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ पर केवल आपको 300 रुपये यहाँ पर ऐड करने हैं, ये मिलता है 6,899 रुपये के प्राइस पर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है मैं बताता हूँ, यहाँ पर क्या है कि आप केवल एयरटेल की सिम लगा पाओगे, फ़ोन लॉक्ड है एंड और किसी भी सिम को आप यूज नहीं कर पाओगे, तो ये चीज़ यहाँ पर देखने लायक होगी। अगर आप एयरटेल की सिम ही यूज करते हो अपने किसी भी से, कोई कोई बहुत से लोग होते हैं अपने हर एरिया में कोई भी सिम जो ज़्यादा अच्छा होता है उसको यूज़ करते हैं, तो अगर आपके एरिया में यहाँ पर एयरटेल ज़्यादा अच्छा है
तो मेरे ख्याल से इस बजट के अंदर 7,000 रुपए के अंदर के बजट के अंदर रियलमी सी 30 आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो फिलहाल तो यही था इन तीनों स्मार्टफोन के लिए मेरे ओपिनियन। अगर आपको पसंद आया हो एंड कोई भी अगर कंफ्यूजन हो तीनों स्मार्टफोन के लेकर तो मुझे ट्विटर या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर से देने वाला हूँ। फिलहाल तो अगर वीडियो पसंद आया हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पर आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहता है। फिलहाल तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय, टेक केयर।